स्वागत है आपका एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की। और चलो देखते हैं अपना वीडियो। और ये हमारा आज समाजशास्त्र का पहला वीडियो है और इसमें हम देखेंगे ये जो हमारी इंडिया वाली बुक है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बच्चों इंडिया वाली जो इंडियन सोसाइटी बुक, तो इंडियन सोसाइटी बुक में से हम इसको पढ़ने वाले हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो नहीं आता है हमारे एग्जाम में, तो हमें जो शुरुआत करनी है वो चैप्टर नंबर 2 से करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे मैंने गलती से चैप्टर 1 टाइप कर दिया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये हमारा चैप्टर है बच्चों 2। चैप्टर 2 है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो भारतीय समाज है उसकी जनसांख्यिकीय संरचना। आई होप आपने पहले पढ़ा हो तो आपको शायद ही अच्छे से आता हो, अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कंटेंट लिखने का टाइम नहीं था, सीधा डायरेक्ट आपको टॉपिक लिखूंगा आपके सामने, उसका सॉल्यूशन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे इसे हमें करना है। आपको वीडियो को बहुत ढंग से देखना है, अगर आप एक बार अच्छे तरीके से देख लोगे तो वीडियो देखने के बाद टॉपिक आपके बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, कभी भी बार बार बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ जाते हैं तो। सबसे पहला टॉपिक, टॉपिक वाइज हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। पहला टॉपिक है कि जनसांख्यिकी का अर्थ एवं उसकी परिभाषा बताओ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन यही आएगा कि जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पे सीमित शब्दों में सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप ध्यान से समझें और चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कहने वाला हूँ ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, हर देश, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक देश ले लेता हूँ, ये भारत है। भारत देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ध्यान से सुनो सारी बातों को। अब इतने सारे लोग रहते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इन सब लोगों के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ती है। सरकार पॉलिसी तब बनाएगी जब सरकार को जनसंख्या का पता लगेगा, लोगों से मिलकर क्या बनती है, जनसंख्या बनती है। और जब, देखो यहाँ पे समझो, जब हम जनसंख्या का, यानी कि जो जनसंख्या होती है, जब हम जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, सुव्यवस्थित अध्ययन का मतलब समझो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखने में दिक्कत है, सुव्यवस्थित अध्ययन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि जब हम मतलब जनसंख्या के बारे में पूरी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से अध्ययन करते हैं तो वो उसका सुव्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि जनगणना की जाती है, जनगणना में ये दिखाया जाता है सारे लोगों की जनसंख्या देखी जाती है, कितने लोग रहते हैं, टोटल कितने हैं, पहले ये देखा जाता है, फिर उसमें मेल कितने हैं ये देखा जाता है, फीमेल कितनी है ये देखा जाता है, उसमें से SC ST OBC ऐसे कैटेगरी वाइज देखे जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने लोग करते जॉब करते हैं उसको देखा जाता है, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोग जॉब करते हैं ये देखा जाता है, जाति धर्म, ठीक है, हर एक चीज को हम जनसंख्या के तहत, ये जनगणना के तहत देख सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें कितने लोग किस कैटेगरी से हैं, किस धर्म से हैं, किस व्यवसाय से हैं, सारी चीजें हमें पता लग जाती है। यही होता है सुव्यवस्थित अध्ययन, जब हम किसी जनसंख्या के बारे में बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, अच्छे से उसका अध्ययन करते हैं तो वो जनसांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। तो अब कोई पूछे भाई जनसांख्यिकी क्या है, तो आपको क्या बताना है कि जनसंख्या का सही तरीके से अध्ययन करना ही जनसांख्यिकी कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा परिभाषा के रूप में ले जाता हूँ इसको। आपने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में, ठीक है, डेमोग्राफी। ये क्या है कि यूनानी भाषा जो थी, यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी। अब ये जो हमारा डेमोग्राफी होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है यहाँ पे डेमोस प्लस में दूसरा होता है यहाँ पे ग्राफियन, ग्राफियन, डेमोस ग्राफियन, ये जो दो वर्ड से मिलकर बना है डेमोग्राफी। तो डेमोस का मतलब होता है जनता, ठीक है। अब एस भी एक बार आप काट दो और इसे सीधा सीधा डेमो समझो, डेमो, डेमोस मतलब जनता, एस को भूल जाओ, डेमो, डेमो मतलब जनता। और ग्राफियन का मतलब होता है हमारा यहाँ पे वर्णन करना, किसी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, वर्णन करना किसी चीज के बारे में बताना। अब यहाँ पे एक चीज देखो, डेमो, डेमो जो है एक रूट वर्ड की तरह यूज होता है, डेमो का मतलब जहाँ पे हम डेमोक्रेसी लगाते हैं, डेमोक्रेसी यानी कि जनता, लोकतंत्र वाली सरकार, ठीक है, जनता, जनतंत्र वाली सरकार, इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं। तो ये डेमोग्राफी आपको हमेशा याद रहने वाला है,
ठीक है, तो दोनों वर्ड मिलके क्या बनेंगे, एक तरफ जनता दूसरी तरफ वर्णन, यानी कि मतलब बनेगा जनता का वर्णन, यानी कि जो डेमोग्राफी है उसका मतलब क्या होता है, जनता का वर्णन। तो जनसांख्यिकी को ही हम डेमोग्राफी भी कहते हैं और इसका मतलब भी वही होता है, जनता का वर्णन। जनता का वर्णन का मतलब यही होता है भाई, जनसंख्या के बारे में जानकारी, और जनसंख्या के बारे में जानकारी लगती है हमें जनगणना से। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आराम से क्लियर, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, सबको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो आप ये सोचो कि आप वीक हो बहुत सारे, बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज में। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, टॉपिक में आगे बढ़ाते हैं। जनसांख्यिकी में हम बहुत तरह की चीजों का वर्णन करते हैं, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि देखो, मान लो किसी देश की कोई जनसंख्या है, तो जनसंख्या के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि कितनों के का जन्म हुआ है, नए जन्म कितने हैं, कितनों की मृत्यु हो रही है, तभी तो हमें एग्जैक्ट जनता का जनगणना का पता लगेगा, कितने लोग प्रवास कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमें लिंग अनुपात का पता होना चाहिए कि सेक्स रेशियो जो है वो क्या है, महिला और पुरुषों के बीच में जो संख्या का अनुपात है वो क्या है। ये सारी चीजें जो होती है इसका हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। फिर लोग अगर प्रवास करके जा रहे हैं तो किस जगह पे लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, किस जगह से लोग पलायन करना पसंद करते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन जो हो जाता है वो सब इसी के तहत ही आ जाता है। ठीक है, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको ये ध्यान रख, तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि जनसांख्यिकी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं आपको पहले लिख देता हूँ टॉपिक, फिर आप आपके सामने बच्चों एक टॉपिक है कि जनसांख्यिकी के प्रकार बताओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं छोटे छोटे। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक तो हमारी हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो हमारी हो जाएगी आकारिक, आकार के अनुसार जनसंख्या की, ठीक है, आकार के अनुसार, जिसको हम आकारिक जनसंख्या की भी कह सकते हैं, जनसांख्यिकी की। दूसरी हमारी हो जाएगी मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी सामाजिक जनसंख्या की, ठीक है, सामाजिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में किस चीज का अध्ययन होता है, ये आपको समझना जरूरी। देखो, आकारिक में आकार का पता लगता है, यानी इसमें हम जनसंख्या के आकार का पता करते हैं। ठीक है, जनसंख्या का आकार क्या है, किस जगह पे जनसंख्या ज्यादा है, किस जगह पे जनसंख्या कम है, मेल फीमेल, फिर आयु वर्ग, आयु संरचना वगैरह की, कौन सी आयु के लोग ज्यादा हैं। जैसे कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा होती है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पे यंग जो होते हैं, जवानों की जनसंख्या ज्यादा होती है। ये सारी चीजें जो आ जाती है हमारी आकारिक जनसांख्यिकी के तहत आ जाती है। लेकिन सामाजिक जनसांख्यिकी क्या होती है, हमें ये समझना है। ठीक है, इसमें हम जनसंख्या के आकार का अध्ययन करते थे, तो इसमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें हम समाज का अध्ययन करेंगे, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, सामाजिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। ये सामाजिक जनसांख्यिकी के तहत आ जाता है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आप एक बार वीडियो को देखें, इसके बाद आप बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ लें, आपको बिल्कुल रट जाएंगी ये सारी चीजें। और ये जितनी भी जनसंख्या जनगणना वगैरह जो भी मतलब अध्ययन होता है ना, ये सब निर्भर करता है किस चीज पे, केवल एक चीज पे, वो होता है इनसे रिलेटेड आंकड़े। आंकड़े को हम बोलते हैं डेटा, इनसे रिलेटेड जो हमारा डेटा होता है उससे क्या होता है, ये संबंधित होता है। कैसे होता है आपको ये डिटेल में बताता हूं। तो अब हम इस जनसंख्या और इस जनगणना पे डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक आपको बता देते हैं। देखो, समाज में मान लो सबसे ऊपर क्या है, हमारी सरकार है, सरकार को ये लगा लो, सरकार को ही क्या करना है, सरकार को जनता के लिए पॉलिसी बनानी है। तो सरकार को क्या पता होना चाहिए, सरकार को जनसंख्या पता होनी चाहिए, जनसंख्या के आकार उसके प्रकार के बारे में सरकार कैसे पता लगाती है, जनगणना के जरिए लगाती है। जनगणना से हमें क्या मिलता है, हमें आंकड़े मिलते हैं यानी कि डेटा मिलता है। ठीक है, उन्हीं आंकड़ों से क्या पता लगता है सरकार को, विभिन्न तरह का जो समूह होता है, कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग को क्या चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या नहीं है, कोई भी पॉलिसी बनानी होगी सरकार को, उस आंकड़े का अध्ययन करना होता है, उसके बाद सरकार क्या करती है, उसके लिए पॉलिसी बनाती है। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम आते हैं कि जनगणना क्यों होती है, जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारे डिटेल में टॉपिक जानते हैं।
तो ये जो जनगणना वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया ना, ये कहीं ना कहीं हमें पश्चिमी देशों से मिला है। हम बात कर लेते हैं यूरोप वगैरह से ये चीजें शुरू हुई है, और अमेरिका वगैरह में भी जनगणना वगैरह होती थी, ठीक है। भारत में तो बाद में हुई है, लेकिन भारत से पहले ये इन जगहों पे होती थी ये चीजें। अब जनगणना भी दो तरह की थी, एक तो थी पुराने तरीके से जनगणना, और एक है दूसरा नए तरीके से, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक जनगणना। आधुनिक जनगणना मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, एक बार मुझे कमेंट पे बता दे, कहीं ज्यादा ही मैं गहराई से जा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। इसलिए तो हुआ क्या भाई बच्चों, आप एक चीज समझो, मैं शॉर्ट में ही आपको बताता हूँ कि अमेरिका जो है, अमेरिका में जनगणना की गई थी लगभग 1790 के आसपास, 1790 के करीब अमेरिका में जनगणना की गई। अब यहां से समझ जाओ आप एक चीज को कि 1790 में अमेरिका में जनगणना की गई, तो ये ना आधुनिक जनगणना मानी जाती है। आधुनिक जनगणना यानी बिल्कुल लेटेस्ट जो स्टाइल है जनगणना का, ये माना जाता है। फिर अमेरिका के बाद इसी टाइप की जनगणना जो थी, इसी टाइप की जनगणना वो हुई यहां पे, क्या कहते हैं, ब्रिटेन वगैरह में, यूरोप के देशों में, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बाद में यूरोप वगैरह में भी इसी तर्ज पे जनगणना की गई, और भारत में तो ये काफी बाद में हुई थी। भारत उस टाइम पे क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे यहाँ पे पहली जनगणना की गई। भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब हमारे यहाँ पे पहली जनगणना की गई थी। अब कब की गई थी पहली जनगणना, ये आपको ध्यान में रखना है, और ऑफिशियली पूरे तरीके से कब से की जा रही है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन याद रखना है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना का प्रयास कब किया गया था, तो इसमें हमारा आंसर आता है 1872। हालांकि इसे करने में भी काफी टाइम लगा था, अगर हम सही तरीके से देखें तो ये 1867 से स्टार्ट हुई थी और 72 तक चली थी। तो हमें 67 याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना याद रखना है पहली बार जनगणना का प्रयास अंग्रेजों ने किया था 1872 में। दूसरी चीज याद रखना है कि पूरे तरीके से संपूर्ण जनगणना, ये एक आंशिक जनगणना थी और ये केवल प्रयास था। देखो भाई, संपूर्ण जनगणना जो थी, संपूर्ण जनगणना देश में, वो 1881 में कराई गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के बाद जब देश आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है। आजादी कब मिली थी हमें, 1947 में। उसके बाद से हमारे स्वतंत्र भारत की जो जनगणना कराई जा रही है वो 1951 से हो रही है। तो 1951 से हर 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, 61 में होगी, फिर 10 साल बाद 71 में होगी, फिर 10 साल बाद 81 में होगी, फिर 91 में होगी, फिर 2001 में होगी, फिर 2011 में हुई है। हमारी जो लास्ट जनगणना हुई है वो कब हुई है, 2011 में हुई है, ठीक है। अब इसके बाद अगली जनगणना कब होगी, 2021 में होगी। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जनगणना होती आ रही है। अब आपको ये जनगणना वाला पूरा कंप्लीट मैंने आपको टॉपिक बताया, अब करते हैं भाई जनगणना, जनगणना क्यों की जाती है, जनगणना से फायदे क्या हैं, जनगणना के नुकसान क्या हैं। देखो जनगणना जो है, इससे फायदे ही हो जाते हैं कि हमें पूरा अपनी जनसंख्या के आंकड़े मिल जाते हैं, जनसंख्या के आंकड़े मिल जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, SC ST जो मैंने शुरू में बताया था, OBC कितने हैं, गरीब कितने हैं, पिछड़े हुए लोग कितने हैं, सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं, प्राइवेट जॉब में कितने लोग हैं, ठीक है, सुविधाओं से वंचित कितने लोग हैं। तो ये सारा जब जनसंख्या से आंकड़े सरकार के पास आ जाते हैं तो सरकार उनकी भलाई के लिए पॉलिसी बनाती है। ये मैं आपको शुरू में डिटेल में बता चुका हूँ, आगे मैंने आपको फिर रिपीट करवाया है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है, और चीन की जो जनसंख्या है वो भारत से ज्यादा है, लेकिन चीन में जो रेगुलर जो नहीं होती है जनगणना वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, जितनी भारत में होती है। भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है भारत की। क्यों, क्योंकि आपको पता है चीन में जब रेगुलर नहीं हो रही है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे तो भारत ही है, तो भारत की जो जनगणना है वो दुनिया में सबसे बड़ी नियमित रूप से होने वाली जनगणना है। अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक आपके सामने पेपर में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि के ना बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग तरह के लोगों ने दिए हैं, तो उसमें से एक काफी प्रसिद्ध सिद्धांत जो था वो थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस जो थे, इन्होंने दिया था। अब इनका ये सिद्धांत क्या है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, इनका एक एसे था, इनका एक निबंध था जिसका नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन, 1788 में इन्होंने एक एसे निबंध दिया था,
उसमें इन्होंने अपना जो सिद्धांत था वो बताया था जनसंख्या की वृद्धि के बारे में। इनका सिद्धांत जो है वो निराशावादी सिद्धांत है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी दिखाता है, ठीक है। निराशावादी एक ऐसी चीज होती है जिससे मतलब पॉजिटिव चीज सोचे ही ना, हमेशा कुछ नेगेटिव ही सोचे, वो निराशावादी सिद्धांत होता है। इन्होंने ये कहा कि इंसान की जनसंख्या यानी मनुष्य की जो जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, यानी कि मनुष्य की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ सकती है, हमारे संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे यानी संसाधन का जो लेवल है वो हमेशा नीचा रहेगा। संसाधन क्या होते हैं, जैसे बेसिक सुविधाएं जो होती है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसे संसाधन जो है वो कम रहेंगे, लेकिन मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी। यानी आज 10 है तो कल को 20, इस तरीके से मतलब जनसंख्या आज इतने लोग हैं, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, मतलब बहुत सारे लोग बढ़ते जाएंगे, लेकिन संसाधन जो है वो नहीं बढ़ेंगे इतनी स्पीड में। तो इसलिए मनुष्य, इन्होंने कहा है कि मनुष्य हमेशा बेकार स्थिति में रहेगा। बेकार स्थिति में रहने का मतलब क्या है, यानी मानव हमेशा निर्धनता की स्थिति में रहेगा, यानी कि गरीबी की स्थिति में रहेगा, कि उसकी जनसंख्या तो बढ़ेगी पर संसाधन नहीं बढ़ेंगे। ये इनका एक निराशावादी सिद्धांत था, आप इसे ध्यान से समझें, ठीक है। इन्होंने बोला कि इंसान बढ़ेंगे लेकिन कृषि उत्पादन की जो चीजें हैं वो नहीं बढ़ेगी, फसल वगैरह जो है वो इतनी उसके जितनी नहीं बढ़ पाएगी। इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या जो बढ़ती है, जनसंख्या का जो विस्तार होता है वो ज्योमेट्री ज्यामितीय गुणोत्तर रूप में होता है। जैसे कि जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती है, 2, 4, ठीक है, 8, 16, 32, ऐसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यानी दुगनी होती जाती है, ठीक है। पहले दो थी, मान लो 2 लोग थे, फिर 4 लोग हुए, फिर 8 लोग हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32, इस तरीके से जनसंख्या दुगनी होती जाती है धीरे धीरे कुछ समय में, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो इनके तहत कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जो है, ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या है और जो खाद्य सामग्री है, अनाज वगैरह है, वो इन दोनों में हमेशा डिसबैलेंस रहेगा, यानी जनसंख्या ज्यादा रहेगी और अनाज कम रहेगा। इसीलिए ये जो असंतुलन है ये बना रहेगा। ये किसने कहा है, थॉमस ने कहा है, ठीक है। तो ये जो ये थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस थे, इन्होंने ये बताया। इन्होंने एक और चीज बताई, इसे ध्यान से समझे जो मैं अब बताने वाला हूं आपको। इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या जो है ऐसे ही बढ़ती रहेगी, अगर समृद्धि पानी है, यानी कि अगर चाहते हो कि देश का विकास हो, दुनिया का विकास हो, तो अगर समृद्धि पानी है तो उसका एक ही तरीका है। इन्होंने बताया वो एक तरीका कौन सा है, ध्यान से सुन। इन्होंने कहा कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करो, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करो, तो ही क्या हो पाएगा, मानव मतलब अपना समृद्धि कर पाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश क्या होता है कि मनुष्य जो है वो अपनी जनसंख्या को अपनी मर्जी से घटाने के लिए, ठीक है, कोशिश नहीं करता है। इनका कहने का मतलब ये था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण पर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, यौन संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बच्चे जो हैं वो कम पैदा करने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। तो मॉल्थस जो थे, ये जो थे, ये मानते थे कि अकाल और जो बीमारी होती है ये भी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का एक तरीका है, जो कि प्राकृतिक तरीका है, ठीक है। मतलब प्राकृतिक रूप से ही अकाल वगैरह आते हैं, कहते हैं कि इससे जनसंख्या जो है वो थोड़ी कम होती है, और इससे क्या होता है कि खाद्य आपूर्ति जो होता है, खाने पीने की जो चीजें होती है, और यानी कि जो अभी मैं बता रहा था ना, जनसंख्या एक तरफ जनसंख्या थी, दूसरी तरफ खाद्यान्न था, इसके बीच में अभी हम पढ़ रहे थे कि डिसबैलेंस था, कोई बैलेंस नहीं था। जब प्राकृतिक आपदाएं और ऐसे संकट आएंगे तो ऐसे में लोगों की मृत्यु होगी, तो जनसंख्या कम होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी, तो जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा, ये इन्होंने कहा, ये एक प्राकृतिक तरीका है, ठीक है। तो ये मॉल्थस का पूरा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ मॉल्थस क्या कहना चाह रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई दुनिया में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, संसाधन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पा रहे हैं। जनसंख्या जो है वो इस तरीके से बढ़ती है, 2, 4, 6, 8, मतलब दुगनी होती रहती है, ठीक है, ज्यादा बढ़ती रहती है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो वो होते हैं ना संसाधन जो होते हैं, खाद्यान्न वगैरह, वो चीजें नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मनुष्य को संयम रखना चाहिए और कम बच्चे पैदा करने चाहिए, और ये सारी चीजें उन्होंने बताई जिससे कि जनसंख्या क्या है कि एक मतलब लेवल में रहेगी। फिर यहाँ पे एक चीज ये भी बताई गई कि ये जो इनका तरीका था ना, ये बहुत लंबे समय तक सही माना गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो विद्वान थे उन्होंने इनके इस पूरे सिद्धांत का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, आलोचना आलोचना कर दी। अब आलोचना तो हो गई है, तो अब इनके क्वेश्चन से ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पूछ ले कि मॉल्थस का सिद्धांत बताओ,
मान लो आपसे ये पूछ ले कि मॉल्थस के सिद्धांत की आलोचना करो, तब आप कैसे करोगे? तो मैं आपको आलोचना बता देता हूँ, ठीक है? फिर थोड़े टाइम बाद लोगों ने इसका विरोध कैसे करा, क्योंकि 19वीं 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो वहां पे जनसंख्या के जो आंकड़े थे वो बदलने लगे। क्या हुआ कि भाई अब जो जन्म दर जो है वो थोड़ी कम होने लगी, जन्म दर में थोड़ा मतलब फर्क पड़ने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले लोग क्या करते थे, छोटी छोटी बीमारियों से, जो छोटी छोटी बीमारी हो जाती थी बीमारियों से मर जाते थे, लेकिन अब उनका इलाज संभव था, इलाज की वजह से उनकी जो मौत हो जाती छोटी बातों पे वो अब नहीं होने लगी, यानी कि मृत्यु दर जो थी वो भी थोड़ी कंट्रोल होने लगी और जन्म दर वैसे ही कम हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो खाद्यान्न वगैरह था पहले कम होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया था, टेक्नोलॉजी के विकास से खाद्यान्न भी ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, व्यापार भी होने लगा, बहुत सारी चीजें बदलने लगी। तो इस तरीके से जो मॉल्थस की जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होने लगा। तो ये उसकी आलोचना हो रही है, मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ। अब मैं आपके सीधा पॉइंट बता देता हूँ, इसके ध्यान से सुने। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, उदारवादी और मार्क्सवादी जो थे इन लोगों ने भी इस सिद्धांत का विरोध कर दिया, क्योंकि मॉल्थस जो कह रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि से हमेशा गरीबी रहेगी, जबकि इन्होंने ये करके दिखाया कि यूरोपीय देशों में क्या था कि वहां पे जनसंख्या से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वहां पे क्या हुआ कि लोगों का विकास हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इनका सिद्धांत था ये गलत था, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत अगर आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हो तो आपको पहले से ही पता होगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखें। इसमें ये बताया गया कि जो समाज होता है वो तीन स्तरों से गुजरता है, ठीक है? वो तीनों चरण जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब मैं आपको यहाँ पे तीनों चरण बताता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और थर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर मैं आपको तीनों स्टेप बताता हूँ कि कैसे कैसे बदलाव होता है और कैसे कैसे होता है, बहुत सिंपल है। देखो पहले स्तर पे क्या होता है कि समाज जो होता है ना वो पिछड़ा होता है, ठीक है? समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा होता है, लोग अनपढ़ होते हैं, लोग गरीब होते हैं, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जन्म जो होते हैं, जन्म दर जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। मृत्यु दर जो होती है वो भी ज्यादा होती है, ये भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया निशान, आपको बता दिया। क्यों होते हैं ज्यादा? देखो जन्म दर ये होते हैं क्योंकि जो जब लोग अनपढ़ होंगे, समझदार नहीं होंगे, गरीब होंगे, तो जन्म दर वैसे ही ज्यादा रहेगी। अगर मृत्यु दर कम इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज और ज्यादा अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, सुविधाओं का अभाव होता है, इसलिए मृत्यु दर भी होती है, जन्म दर भी होती है ज्यादा। जब जन्म भी ज्यादा होंगे और मृत्यु भी ज्यादा होगी तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, कम होगी या ज्यादा? तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप ही कम होगी, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि कम होगी। अगर मान लो कि जन्म जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ जाएगी, लेकिन मान लो जन्म और मृत्यु दोनों ही बराबर चल रहे हैं तो जनसंख्या जो है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो ये होता है पहले स्तर में। देखो अब जो दूसरी स्टेप में आ गए हम, यहाँ पे समाज पिछड़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा, समाज पिछड़ा था, लोग गरीब थे, लेकिन अब यहाँ पे जो समाज है वो पिछड़े से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा उन्नत होने लगा है। उन्नत का मतलब ये मत सोच लेना कि ये बिल्कुल ही मतलब बेहतर हो गया, लेकिन पिछड़ा था, पिछड़े से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, यानी समाज का जो स्तर है वो सुधरने लगा है, या फिर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में कहूं तो सुधार हो रहा है स्थिति में, ठीक है? अनपढ़ लोग थे लेकिन धीरे धीरे अब वो क्या होने लगे, पढ़ने लिखने लग गए, पढ़े लिखे होने लगे, समाज का स्तर ठीक होने लगा है। लेकिन जनसंख्या की जो दर होती है ना, वृद्धि दर, वो यहाँ पे भी ऊंची ही रहती है, क्योंकि एकदम से जन्म ये जनसंख्या में फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जनसंख्या की जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, यहाँ पे ऊंची ही रहती है, ऊंची ही रहती है, ठीक है? ये याद रखना, ये दूसरी स्टेप है। लेकिन क्या है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा सुधार आ गया है दूसरी स्तर पे। पहले लोग ज्यादा पिछड़े थे, तकनीकी ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, जन्म दर मृत्यु दर दोनों में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, थोड़ा सा फर्क आया, लोग पढ़े लिखे भी होने लगे हैं, थोड़ा सुधार आने लगा है, उन्नत होने लगे, स्थिति सुधर रही है, लेकिन जन्म दर यहाँ पे भी ऊंची है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे क्या हो जाता है, समाज यहाँ पे मतलब पिछड़ा था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पे समाज जो होता है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है? समाज में जो हम बोले विकास के मामले में देखें तो यहाँ पे हम बोलेंगे समाज पहले के मुकाबले काफी विकसित हो जाता है, ठीक है? टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था यहाँ पे, हमने पढ़ा था, वो धीरे 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 यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज्ञान
लोगों को हो जाता है, यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास हो जाता है। अब जब प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, लोगों के पास बेसिक सुविधाएं जो थी वो आ गई हैं, तो अब क्या हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, लोग ना ज्यादातर मतलब क्या होंगे, उनका लेवल जो है वो अपने आप ही सुधरने लग जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते थे, यहाँ पे ज्यादातर लोग कृषि करते थे, ठीक है, कृषि या फिर पशुपालन ऐसे कामों में रहते हैं, खेती वगैरह में। अब धीरे धीरे ये उद्योगों की तरफ बढ़ेंगे, उद्योगों वाले काम करने लग जाएंगे, ऐसे कामों में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना विकास हो गया आपको पता है, तो यहाँ पे जो मृत्यु दर है और जन्म दर है दोनों ही कम होने लग जाएगी। यानी मृत्यु दर कम कैसे हो जाएगी, मृत्यु दर इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। पहले छोटी छोटी बीमारी में लोग मर जाते थे, अब उसका इलाज हो गया है। जब इलाज होने लगा है तो मृत्यु दर पहले के मुकाबले कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जन्म दर भी कम हो जाती है। जन्म दर कम क्यों हो जाती है, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए हैं, लोगों के पास जानकारी आ गई है, लोग पहले के मुकाबले जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए क्या होता है, जनसंख्या थोड़ी यहाँ पे कम हो जाता है लेवल सब कुछ। तो ये पूरा जनांग की ये संक्रमण सिद्धांत था, मैं बहुत ज्यादा गहराई से बता रहा हूँ, एक बार मुझे खुद पता नहीं लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि ज्यादा डीप तो नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर कम डीप मतलब सिंपल सा चाहिए तो मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक बता सकता हूँ, मुझे बहुत आसान होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहली बार बना रहा हूँ सोशियोलॉजी, तो मैं ज्यादा डीप बताऊँ। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मेरा पहला सोशियोलॉजी का वीडियो है। आप देखो आगे टॉपिक बताता हूँ, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है आपके में वो है सामान्य कल्पनाएं एवं संकेतक। आपकी बुक में हेडिंग है, मैं हेडिंग को ही एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो इसमें जो टॉपिक आता है इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है सामान्य कल्पनाएं और संकेतक में। सबसे पहले हम जन्म दर देख लेते हैं, मृत्यु दर देख लेते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, ये आप जानते हो कि किसी एक क्षेत्र विशेष में, मान लो मैं देश के किसी एक राज्य की बात कर रहा हूँ, किसी एक जिले की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी एक छोटे से एरिया की बात करता हूँ, या फिर मैं बड़े लेवल की बात करता हूँ, वहां पे जन्म दर देखी जाती है कि प्रति हजार, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि किसी एक साल में जो प्रति हजार जो व्यक्ति हैं उन पर जो जीवित बच्चे उनकी संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी कि मान लो बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को उसमें नहीं गिना जाएगा। मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, जन्म के साथ ही मृत्यु हो गई, तो वो उसे जन्म दर में नहीं गिना जाएगा। प्रति हजार व्यक्तियों में जो मतलब जो जन्मे, जो जीवित बच्चों का जन्म होता है, जीवित बच्चे, ठीक है, याद रखना, जीवित बच्चे का जो जन्म होता है उसको हम जन्म दर के अंतर्गत रखेंगे, केवल जो जीवित बच्चे होते हैं। अब दूसरी तरफ मृत्यु दर होता है, मृत्यु दर जो होता है वो भी ऐसे ही होता है, सिंपल होता है। अब दूसरा टॉपिक है मृत्यु दर। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र विशेष जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई राज्य हो, कोई जिला हो, कोई जहां पे भी हम बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र विशेष में जो प्रति हजार व्यक्ति होते हैं ना, उन प्रति हजार व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, यानी प्रति हजार व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, प्रति हजार व्यक्तियों में मृत व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो हमारी मृत्यु दर कहलाती है। तो ये मृत्यु दर आप बहुत आसान से समझ जाओगे, जन्म दर आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो ये टॉपिक जो दो थे ये बहुत ईजी थे, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये मुझे सोशियोलॉजी इसलिए ईजी लग रहा है क्योंकि इसमें जो टॉपिक है ना वो सारे वो वाले टॉपिक है जो कि हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो थे हमारी सामान्य कल्पनाएं एंड एवं व संकेतक। तो इसमें हमने जन्म दर मृत्यु दर पढ़ लिया है। अब हम आगे का टॉपिक जो पढ़ते हैं वो होता है एक प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है, जिसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, जो प्राकृतिक वृद्धि दर होती है। फिर उसके बाद हम आगे प्राकृतिक वृद्धि दर के बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है बच्चों ये बहुत सिंपल है। अब आप देखो यहाँ पे ये बताया गया, मान लो कि किसी समाज में, किसी मैं आप एक एक राज्य की बात कर लेता हूँ, चलो मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूपी की, यूपी एक राज्य है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जितने बूढ़े लोग मरे, जितने बूढ़े लोग हैं उनकी जो मृत्यु हुई है, मर गए हैं, बूढ़े लोगों की जो मृत्यु हुई है, जितने बूढ़े लोगों की मृत्यु हुई है, अगर उतने ही बच्चों का जन्म हो जाए, उतने ही बच्चों का अगर जन्म हो जाए, यानी कि मान लो कि 100 लोग थे, 100 में से 50 मर गए और 50 पैदा हो गए, तो 50 जो गए थे वो 50 वापस आ गए ना, यानी जनसंख्या तो 100 की 100 रही, तो वो जनसंख्या क्या रही, स्थिर रही। स्थिर के लिए हम यहाँ पे स्थिर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन स्तर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रतिस्थापन स्तर, यानी कि जो जनसंख्या है वो प्रतिस्थापन स्तर पर है, हम ऐसे नॉर्मली उसके लिए बोल देंगे, ठीक है, प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गए, यानी दोबारा से स्थापित हो गया। और अगर ये सोचो, मान लो कि जो मृत्यु है वो ज्यादा हो गई,
बच्चों के जन्म जो है वो कम हुए, तो वहां पे जो प्रतिस्थापन स्तर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिर है जनसंख्या, जितने जा रहे हैं लगभग उतने ही आ रहे हैं। अब इसमें लगभग लगभग का मामला होता है, मान लो कि 50 मरे हैं, 49 का जन्म हुआ है, तो एक के पीछे ऊपर नीचे नहीं करेंगे। ये एक ना मतलब एक अंदाजा लगाया जाता है कि इतने गए, इतने आ गए, इतने इतनों की मृत्यु हुई, इतनों का जन्म हुआ। ये एक मतलब आंकड़ों को एक राउंड फिगर आप समझ लो, या जैसे भी एक आसपास का मामला रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकते कि मान लो 100 मरे 100 ही पैदा हुए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है 100 मरे और उससे ज्यादा पैदा हो गए, या फिर ज्यादा पैदा हुए और कम मरे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्तर होता है जहां पे स्थिर लगे जनसंख्या, तो उसको प्रतिस्थापन स्तर कहा जा सकता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ राज्य जहाँ पे प्रतिस्थापन जो स्तर है, कुछ राज्य जो है उससे ऊपर आते हैं, कुछ राज्य जो है वो उससे नीचे आते हैं, यानी इससे नीचे आएंगे, कुछ इससे ऊपर आएंगे। मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो मैंने आपके सामने पूरा डेटा लिख दिया। प्रतिस्थापन जो स्तर होता है मतलब स्थिर, स्थिर स्थिर से ऊपर यानी कि जनसंख्या ज्यादा होना, स्थिर से नीचे यानी जनसंख्या कम होना। तो यहाँ पे देखो केरल राज्य जो है वो प्रतिस्थापन जो स्तर है उससे नीचे है, यानी यहाँ पे जनसंख्या जो है जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही है। रीजन क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे हैं, साक्षर लोग हैं। जहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे और साक्षर लोग होते हैं वहां पे जनसंख्या जो होती है वो ज्यादा नहीं बढ़ती है। बढ़ कहाँ पे रही है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे जनसंख्या जो लेवल है वो जो जनसंख्या का जो दर है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। जन्म दर जो है वो ऊपर जा रहा है, और जो बराबर है जहां पे मतलब नॉर्मल रहता है प्रतिस्थापन यानी स्थिर रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, वो है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इन राज्यों में क्या है वो लेवल एक जैसा रहता है, स्थिर है, कुछ में ऊपर जा रहा है कुछ में नीचे जा रहा है। ये आपको बहुत सिंपल था, आई होप आपको ये बूढ़े जो जिनकी मृत्यु हुई, नए बच्चों का जन्म हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जरा भी कंफ्यूजन है वीडियो को पॉज करें, दोबारा से रिवाइंड करें और वापस उस टॉपिक को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दर ऊपर नीचे है ना, ये क्यों है? ये है शिक्षा के स्तर से, शिक्षा का स्तर जो है अलग अलग है। जो स्तर केरल में है शिक्षा का वो इन राज्यों में नहीं मिलेगा आपको। अब आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक लिख दिए हैं, ये भी इसी संकेतक में ही आ जाता है, इसी टॉपिक के अंदर। अब इनको भी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिंग अनुपात डिस्कस कर लेते हैं, जो सेक्स रेशियो होता है, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रति हजार पुरुषों में, ठीक है, किसी निश्चित अवधि के दौरान देखा जाता है कि प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या है वो कितनी है। भारत में तो प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या देखी जाती है, लेकिन कुछ देशों में इस प्रति हजार स्त्रियों में पुरुषों की संख्या देखी जाती है, यानी वहां पे उल्टा होता है, पर भारत में पुरुषों में स्त्रियों का देखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। यानी प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। मान लो कोई राज्य है, मान लो मैं बात कर लेता हूँ, चलो कैपिटल की बात कर लेते हैं, मान लो दिल्ली है, यहाँ पे 1000 पुरुष हैं और उनमें 943 स्त्रियां हैं। ये मैं आंकड़े ऐसे बता रहा हूँ आपको सब समझाने के लिए, एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। मान लो हम केरल में जाते हैं, केरल में 1000 पुरुषों में जो फीमेल है, महिलाएं, उनकी 1100 संख्या हो सकती है। हरियाणा जैसे राज्य में जाते हैं, हो सकता है वहां पे 900 900 या उससे भी कम मिले। राजस्थान में जाते हैं, हो सकता है वहां पे 800 ही मिल जाए। तो ये होता है प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, ठीक है। ये होता है लिंग अनुपात। अब दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक की, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और प्रजनन दर। देखो क्या होता है कि कोई स्त्री, ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है वो 15 से 49 साल तक की होती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। हालांकि 49 तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा होता है कि उस ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि इस उम्र में किसी महिला द्वारा कितने मतलब बच्चों को जन्म दिया गया है, तो वो जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला जाता है प्रजनन दर, ठीक है। तो ये याद रखना कि 15 से 49 साल की उम्र में किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार स्त्रियों में, यानी प्रति हजार स्त्रियों में जो बच्चों को जन्म दिया गया है, उस जन्म में वो बच्चों को जो जन्म दिया गया है उसमें जीवित बच्चे कितने हैं, ठीक है। जीवित बच्चों के जो जन्म दर होती है उसी को क्या माना जाता है, उसको प्रजनन दर माना जाता है। अब देखो मृत्यु दर है, मृत्यु दर में क्या होता है कि प्रति हजार जो मतलब जन्म हुए बच्चों के, जो जिन बच्चों ने जन्म लिया है, अगर जन्म लेने के 1 साल बाद
की आयु तक, ठीक है, जन्म लेने के 1 साल बाद की आयु तक बच्चा जीवित रहता है। ठीक है, ध्यान से समझे कि मान लो प्रति 1,000 बच्चों का जन्म हुआ है, उन 1,000 बच्चों में जो जन्म हुए, जन्म के तहत अगर 1 साल के अंदर बच्चा जी गया, आगे तो चलो उसे तो छोड़ दो, लेकिन अगर 1 साल के अंदर यानी 365 दिन जो माना जाता है मोटा मोटा, 365 दिन के अंदर अगर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि प्रति 1,000 जो जीवित बच्चे जन्मे थे उसमें से अगर 1 साल के भीतर कोई बच्चा किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो शिशु मृत्यु दर के अंदर आता है। अब ऐसे ही मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है। मान लो कि 1,000 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, 1,000 जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उन्होंने बच्चों को मान लो जन्म दिया है, तो 1,000 महिलाओं में से हो सकता है कि एक या दो या तीन औरतों की मौत हो जाए, क्योंकि बच्चे को जन्म देते टाइम भी महिलाओं की कई बार प्रसूति के दौरान मौत हो जाती है। ठीक है, तो अगर माता की मृत्यु हो जाए यानी उस महिला की मृत्यु हो जाए तो ये किस में आता है, ये मातृ मृत्यु दर के अंदर आएगा। 1,000 महिलाओं में कितनी महिलाएं जो थी, 1,000 महिलाओं में कितनी महिला जो थी जिनकी मृत्यु हो गई है जन्म बच्चे को जन्म देते दौरान। अब तो ये चीजें कम होती हैं मातृ मृत्यु दर वगैरह, लेकिन आज से अगर हम बात करें बहुत पहले 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, कि माताओं की मृत्यु हो जाती थी। उस टाइम पे क्या होता था, एक तो इतनी अच्छी डॉक्टरी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, दूसरा ज्ञान नहीं था, फिर शादी की जो उम्र थी वो भी कम थी, 14 14 साल, 13 13 साल, 15 15 साल में शादी कर देते, तो ये भी एक कारण बनता था। तो ये जो आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ ना, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको नहीं समझते ना तो आपको ये चीजें मुश्किल लगेंगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला चैप्टर है ये, थोड़ा इसमें से ये चीजें हैं, बाकी आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी जरा भी। एक टॉपिक होता है आयु संरचना। आयु संरचना में क्या होता है, विभिन्न आयु के लोग कितने रहते हैं किसी देश में। मान लो कि 10 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 40 साल के कितने हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ एवरेज, 40 से 60 साल के कितने हैं, ये जो मतलब होता है इसे हम आयु संरचना कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है आयु संरचना निकालने का, वो कुछ इस तरीके से होता है, 15 साल से लेके 59 साल तक, कुछ देशों में 15 साल से लेके 64 साल भी निकाला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये 15 से 59 साल की जो आयु होती है ना, किसी देश में अगर इस आयु के लोग ज्यादा होंगे तो ये यंग जनसंख्या मानी जाती है, यानी यंग मानी जाती है, जवान। ठीक है, 15 से 59 में, और जिस देश में इस आयु वर्ग के लोग ज्यादा होंगे वहां पे वो जनसंख्या क्या होगी, कार्यशील मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन जहां पे 59 साल से ऊपर के लोग ज्यादा होंगे, 59+ के लोग ज्यादा होंगे, वो बूढ़ी जनसंख्या मानी जाएगी, यानी वहां पे सरकार को चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा माना जाएगा। अगर ये है तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा 15 से 59। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, मेनली 15 से 59 और 15 से 64 ही माना जाता है। और ये मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे भी समझ सकते हो 10 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 40 साल के कितने हैं, 40 से 60 साल के कितने, ये एक बहुत बेसिक तरीका है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो ये मैंने ऊपर एक टॉपिक लिखा है पराश्रिता अनुपात। ये पराश्रिता अनुपात क्या होता है, इसे देखो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जनसंख्या का ऐसा अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित हो। ठीक है, इससे कार्यशील वर्ग 15 से 64 आयु की जो वर्ग होते हैं उनपे, बच्चे और बुजुर्ग इस पराश्रित वर्ग के होते हैं। देखो 15 से 59 या 64, 15 से 64 होता है मेन, यहाँ पे आपकी सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में आपको 15 से 59 भी मिल सकता है देखने में, तो आप इसे मोटा मोटा 64 माने। 15 से 64 की आयु वाला जो वर्ग होता है ये माना जाता है कि ये काम काज वाला वर्ग है। ठीक है, इन पे कौन आश्रित होगा, अब आप सोचिए इन पे कौन आश्रित होगा, या तो छोटे बच्चे होंगे वो आश्रित होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो माँ बाप पे, भाई बहनों पे आश्रित होते हैं, या फिर जो बूढ़े माँ बाप होंगे वो आश्रित होंगे, बूढ़े लोग होंगे वही आश्रित होंगे ना इनपे, या तो भाई बूढ़ा इंसान है नहीं कुछ कर पाता, कुछ चल पाता, तो वो आश्रित होगा, या छोटा बच्चा है वो आश्रित होगा। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये पराश्रित अनुपात वाले लोग कहलाते हैं। ठीक है, बढ़ता हुआ पराश्रित अनुपात जो होता है ये, अगर मान लो ऐसे बच्चे और बूढ़े, इनका लेवल बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं और बूढ़े बढ़ रहे हैं किसी समाज में, तो क्या होगा इस अनुपात से, सोचो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये तो भाई चिंता का विषय बन सकता है बिल्कुल। क्यों, मान लो कि किसी देश में किसी जगह पे ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं जो कि मतलब पराश्रित है, यानी बच्चे या बूढ़े ऐसे हैं, तो ऐसे में क्या है, इनका बोझ किस पे पड़ेगा, इन पे पड़ेगा, जो 15 से
15 से 64 वाली वर्ग के कार्यशील लोग हैं, इन पे इनका बहुत ज्यादा पड़ेगा, या तो ये बच्चों को ही संभालेंगे या फिर बूढ़े माँ बाप को संभालेंगे, तो ऐसे में इन पे जो ज्यादा प्रेशर आएगा, इनको ज्यादा समस्या उठानी पड़ेगी। तो ये होता है। तो यहां तक मैंने ये बिल्कुल आपको क्लियर समझा दिया है सारी चीजें, बेसिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें सारी थी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी इजी से क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार वीडियो को ढंग से देखोगे ना, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुए, अभी चलेगा वीडियो, ध्यान रखें। देखो भाई, अब टॉपिक है हमारा भारत की जनसंख्या के आकार और समृद्धि। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है चीन के बाद, और ऐसा माना जाता है कि हम चीन से भी आगे निकलने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। तो ये जनसंख्या वृद्धि मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से दिखाता हूँ। मैंने आपके सामने पूरी एक टेबल बना दी है, आप इसे देखो, जनसंख्या को एक बार आप जल्दी से देख लो, ठीक है? मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। देखो, 1901 में जो जनसंख्या थी वो 238 लाख में बात कर रहे हैं, ठीक है, लाख थी। फिर लाख में बात करें 252 हुई 10 साल में, 11 की जनसंख्या में। फिर 21 की जनगणना में क्या हुआ, 251, यानी कम हो गई है थोड़ी सी। फिर बढ़ गई है 31 की जनगणना में, फिर 41 में, फिर क्या हुआ, फिर काफी बढ़ी है, फिर 1951 में इतनी बढ़ी है, ठीक है? तो यहां से आप देखोगे, और 2001 में 103 करोड़ और 121 करोड़, और 2021 में ना जाने कितनी करोड़ होने वाली है ये हमें नहीं पता अभी। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक चीज समझ में आएगी। अगर आप देखोगे कि 1901 से लेके 1951 तक अगर आप जनसंख्या देखोगे, तो ये 1901 से 1951 तक की ये जो जनसंख्या थी ना, ये यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या बढ़ी है, ये एक औसत लगा लो आप, एवरेज जो रही है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके बाद से 1961 से 1981 की, ठीक है, यहां से देखो 1961 से आगे 1981, 439, 548, 683, 846, यानी कि पिछले 30-40 साल में यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल दुगनी हो गई है। यहाँ पे इतनी नहीं बढ़ रही, 200, 200, 200, 200, 300 आसपास ही है, यहाँ पे 400 से 800 हो गई है। तो आप सोचोगे कि ये 1961 से लेके 1981 तक ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ठीक है? 1931 से पहले जो मृत्यु दर थी और जन्म दर थी, जो दोनों ही ज्यादा होती थी, फिर धीरे धीरे उस टाइम पे चेचक, हैजा, ये और दुनिया भर की बीमारियां थी, इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता था, लोग मर जाते थे, जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। लेकिन बाद में जब जनसंख्या जो है, जनसंख्या मतलब चिकित्सा का लेवल जो बढ़ा, उसके बाद जनसंख्या का जो स्तर है वो इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे हम चीन से भी आगे पहुंच जाएंगे। तो ये है कुछ भारत की जनसंख्या के आंकड़े जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसे, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिख रहा हूँ, जिससे कि लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, बहुत बड़े लेवल पे मृत्यु हो जाती है, और फिर क्या होता है, जनसंख्या का स्तर जो होता है यहाँ से डिसबैलेंस होता है। अकाल आ जाए तो इससे लोगों की मृत्यु होती है, भुखमरी, चिकित्सा का अभाव, या फिर यहाँ पे हो सकता है कम उम्र में शादी, कम उम्र में विवाह। एक पॉइंट, महामारियां भी हैं, क्योंकि उस टाइम पे बीमारी बहुत फैलती थी, महामारी वगैरह, ये भी ध्यान रखें। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से जनसंख्या वृद्धि आकार वगैरह में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। अब अगला टॉपिक आपको यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, एक बार आप ध्यान से देख लें। अगला जो टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे, वो होगा कि ये जो हमारा भारत है देश, ठीक है, भारतीय जनसंख्या जो है उसमें आयु संरचना का क्या मतलब है, ठीक है? भारत में आयु संरचना, आयु संरचना, आयु संरचना का मतलब होता है कि किसी देश में किस किसी विशेष उम्र के लोग कितने रहते हैं, ठीक है? अगर 15 से लेके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15 से लेके 49 वाली आयु होगी, तो ये जो आयु होगी ना, ये आयु ऐसी आयु मानी जाएगी कि ये आयु क्या है, कमाने वाली आयु है। कमाने वाली आयु क्यों कहेंगे हम इसे, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्किंग होते हैं लोग, वो इसी इन्हीं एज के बीच में होते हैं। अगर किसी देश में इस एज के लोग ज्यादा होंगे तो वो युवाओं का देश बोला कहा जाएगा, जैसे कि भारत में है, भारत में इस उम्र के लोग ज्यादा हैं तो भारत युवाओं का देश कहा जाता है। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी बहुत तरक्की करेगी, क्योंकि लोग कार्यशील होंगे, और देश में आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में भी फायदा होगा, जो कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मान लो किसी देश में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले आदमी लोग होंगे, तो वो जो देश होगा उस वो बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे।
अगर मान लो कि 60 से प्लस में ज्यादा लोग हैं तो वो बूढ़ों का देश होगा, जैसे चीन जो है वो कुछ इसी तरीके का होता जा रहा है। ठीक है, चीन जो है कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो ज्यादा पैसा जाएगा सरकार का वो स्वास्थ्य सुविधाओं में जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोग बीमार होंगे, और बीमार होंगे तो भाई चिकित्सा में पैसा जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि भारत में आयु संरचना की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में ज्यादातर जो आयु संरचना है वो है युवा युवा अवस्था के हैं। ठीक है, युवा अवस्था के लोग हैं भारत में ज्यादा। ये टॉपिक जो है हमारा हो गया, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, छोटा सा आप बता दोगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक ये होगा कि भारत में जो महिलाओं का स्तर है वो गिर रहा है। स्तर का मतलब है, कहने का मतलब, सॉरी, यहाँ पे महिलाओं का जो, मतलब महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि भारत में गिरता हुआ, आपकी बुक में हेडिंग भी है, भारत में गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात ये क्यों है, इसे देख लो। देखो भाई, अगर किसी देश में मेल और फीमेल उनके बीच का जो सेक्स रेशियो है वो सही है तो वो देश बेहतर माना जाएगा। ठीक है, मान लो मेल 1000 हैं और उनमें 1000 स्त्री हैं तो वो बेहतर है। मान लो अगर मेल 1000 हैं, स्त्रियों की संख्या 700 है, यानी बहुत कम है, तो वो बेकार माना जाएगा। मान लो कि मेल 700 हैं और स्त्री 1000, या मान लो मेल 500 है और स्त्री 1000 है, ऐसा भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो भी एक तरह से बेकार ही माना जाएगा। तो क्या होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। तो भारत में ऐसा माना जाता है कि पहले, अगर बहुत पुराने समय की बात करें, तो 1000 पुरुषों पे 1000 1000 से ज्यादा स्त्रियां होती थी, जो कि स्त्रियों की स्थिति तो बेहतर थी अगर देखा जाए थोड़ा। लेकिन पिछली एक सदी में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है कि महिलाओं की संख्या जो है वो गिरी है। महिलाओं की संख्या कम कैसे हो गई है ये बताना है आपको। ठीक है, तो भारत में एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों में 972 थी। एक समय ऐसा भी आया कि 933 रह गई। एक समय ऐसा भी आया कि 941 हो गई। यानी कि ये पूरे भारत की बता रहा हूं मैं, और राज्यों की बात कर दूं ना अगर यहाँ पे, तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आपको ये जो लिंग अनुपात है वो काफी निम्न मिलेगा। केरल में बात करेंगे तो वहां पे आपको ठीक मिलेगा। अब ये गिरता हुआ जो लिंग अनुपात है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कभी आपने सोचा है? तो इसके बहुत सारे कारण है। एक तो भाई गर्भपात करा दिया जाता है, यानी अबॉर्शन करा दिया जाता है, बच्चे को जन्म लेने से पहले उसकी उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर पता लग जाए कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़की है, यानी जो शिशु है वो बालिका है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ठीक है, एक बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या थी, बाल विवाह हो जाता था, लड़कियां जो थी कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी। जो लड़कियां जब बच्चों को जन्म देती थी 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, तो उस टाइम पे स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं थी। एक तो ये वैसे ही उम्र सही नहीं है, ऊपर से अगर ऐसे होता है इस उम्र में ये सब, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी वैसे ही मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे, तो लड़कियों की संख्या वैसे ही गिर जाएगी। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ जैसी जगहों में लिंगानुपात जो है वो काफी निम्न है, यानी गिरा हुआ है। केरल जैसे राज्य है जहाँ पे पढ़े लिखे ज्यादातर, मतलब साक्षर लोग हैं, वहां पे जो ये अनुपात है वहां पे ये अनुपात बहुत अच्छा है। तो भारत में ये जो समस्या थी ना, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अंधविश्वास वाली बातें थी, लड़कियां क्या करेंगी बड़े होके, इनको शादी ही करनी है, दूसरे घर जाना है, और ऐसी 50 तरह की जो ये गलत धारणाएं जो दिमाग में थी ना, इसकी वजह से भी जो मतलब लड़कियां जो होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, ये बहुत गलत था। फिर अल्ट्रासाउंड और ये सोनोग्राफी जैसी टेक्निक आ गई थी, इससे जन्म से पहले ही पता कर लगवा लिया जाता था कि जो भ्रूण है, जो पेट में पलने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की, और पता लग जाता था लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा देते थे। ठीक है, लिंग का पता करवा देते थे, इसीलिए ये चीजें जो सेक्स रेशियो जो था वो बहुत डिसबैलेंस हो रहा था। तो ऐसे में क्या किया गया था, सरकार ने ये सारी चीजें गैर कानूनी बना दी थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसी चीजों से नहीं पता लगाया जाएगा, अगर कहीं ऐसा पता लगाया जाता है तो वो कानूनन जुर्म होगा, लाखों रुपए जुर्माना होगा, जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत चीजें थी जो कि गलत थी। देखो भाई, साक्षर जो है, साक्षर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो किसी भाषा को पढ़ ले, जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा पढ़ पाए और उस चीज को लिख पाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम विद्वान की तरह लिख पाए, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसको लिख लेता है अपनी तरीके से, तो ये क्या है, साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। तो हमारे देश में जो साक्षरता का स्तर है वो अच्छा नहीं है। कई राज्यों में अगर हम देखते हैं तो राज्यों में बहुत ज्यादा डिस्बैलेंस दिखता है। अगर हम बात करते हैं केरल जैसे राज्य की, तो वहां पे हमें 70% 70% साक्षरता दिखती है। तो हम दूसरी तरफ बात करते हैं बिहार जैसे राज्य की,
तो वहां पे हमें बहुत बुरा हाल मिलता है साक्षरता के मुकाबले में। ठीक है, तो बिहार काफी पीछे और कई राज्य जो हैं उनमें काफी बैलेंस हमें डिसबैलेंस दिखेगा। यहाँ पे एक बात करते हैं कि जो साक्षरता होती है वो किसी देश के अर्थव्यवस्था को, वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कल्याण जैसी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनसे पता लगती है। अगर किसी देश में साक्षर लोगों की कमी है बहुत ज्यादा, तो आप समझ सकते हो कि उस देश का जो आर्थिक लेवल या दूसरा लेवल होगा वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये साक्षरता वाला टॉपिक जो था आपको बेसिक तरीके से बताया है, सिंपल आपको क्वेश्चन जो आएगा बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो एक या दो नंबर का आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। भारत जो है गाँव का देश कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण नगरीय भिन्नता, यानी गाँव और नगरों में कुछ डिफरेंस है ये हमें देखना है। तो भारत जो है वो गांव का देश कहलाता है। सदियों से जो ज्यादातर जनसंख्या है भारत की वो गांवों में रहती आई है। तो अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग जो 72% लोग जो हैं वो गांवों में रहते हैं और 28% लोग जो हैं वो शहरों में, नगरों में, कस्बों में रहते हैं। ठीक है, गाँव की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर यहाँ के लोग जो होते हैं वो कृषि पशुपालन जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। नगरों के जो होते हैं ये द्वितीय क्रियाकलापों, विनिर्माण और बाकी अन्य क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। गांव की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो गांव में जो स्तर है यहाँ पे बेसिक सुविधाएं जो होती है, बेसिक जो फैसिलिटीज होती है वो यहाँ पे गांव में कम है, लेकिन शहरों में वो सुविधाएं थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं गाँव से पलायन कर जाते हैं शहरों की तरफ, नगरों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रवास इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को यहाँ पे बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर सुविधाएं मिलती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जब गांव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे स्लम भी बनते हैं, गंदी बस्तियां भी बनती हैं, जहाँ पे लोग बहुत निम्न स्तर में रहते हैं और दुनिया भर की समस्याएं उनके साथ होती हैं। ठीक है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं उसके औद्योगिकरण और उस पर डिपेंड करती है। तो भारत में क्या है, औद्योगिकरण जो है वो बढ़ रहा है और नगरीय जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले में धीरे धीरे बढ़ रही है। रेडियो टेलीविजन जैसी सुविधाएं भी अब पहले शहरों में ही ज्यादा होती थी, अब ये धीरे धीरे गाँवों में भी फैल रही हैं और इंटरनेट वगैरह सुविधाएं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि गाँव का जो लेवल है अब धीरे 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 बदल रहा है शहरों की तरह। लेकिन अगर हम एक बात करें तो पिछड़ेपन की, तो गाँव में अभी भी कई जगह पे बहुत पिछड़ापन मिलता है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पुरानी कुरीतियां चली आ रही हैं, बाल विवाह जैसी समस्या देखने को मिलती है। कई जगह पे आज के टाइम पे क्या है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ये बहुत समस्या देख। तो गाँव के लोग जो हैं वो शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं शहरों का माहौल देखकर। वो अक्सर क्या करते हैं, शहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं और वहां पे चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं गाँव से शहरों की तरफ। नगरीकरण बढ़ रहा है, नगरों में रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं, विभिन्न तरह का लेवल जो है वो सुधर रहा है। तो कई तरह की सुविधाएं तो हैं लेकिन कई तरह की समस्याएं भी है। तो ये गांव और नगरीय वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई। ये सारी चीजें ही आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है और ये चीजें इतनी सिंपल है, अगर आप मेरे ध्यान से वीडियो को सुन लेंगे तो आपको सारी चीजें याद होने लग जाएंगी। इसके बाद एक बार आप बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, या सपोर्टिंग पढ़ सकते हो सपोर्टिंग पढ़ लो, आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो, भारत की जनसंख्या नीति अगला पॉइंट है हमारा। किसी भी देश की जनसंख्या जो की गतिशीलता जो होती है उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो समृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर मान लो जनसंख्या घट रही है तो ये एक समस्या बन सकती है, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो भी ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो अब जनसंख्या नीति भारत की क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात करें तो भारत ने 1952 में अपनी पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ठीक है, पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की थी, कब की थी, 1952 में। इसके बाद क्या हुआ, समय समय पे इसमें क्या करते गए, चेंजेस करते गए, यानी कि धीरे धीरे इसमें बदलाव करते गए, विभिन्न तरह के बदलाव की जरूरत पड़ी। जनसंख्या नीति के तहत एक नया कार्यक्रम जो लागू किया गया था वो था परिवार नियोजन, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कह सकते हो, राष्ट्रीय परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। अब क्या है भाई, हमारे देश में जनसंख्या जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ेगी, जनसंख्या विस्फोट होगा, तो एक समस्या ऐसी आएगी कि संसाधन घटेंगे। ये बात तो आप अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे में फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट समझ में सामने आया कि गांव वगैरह में, या फिर जो ज्यादातर हमारे यहाँ जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो क्या सोचते थे कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उससे कमाई हमारी ज्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग तरह से बच्चों को अलग अलग तरह क्षेत्रों में भेज देंगे तो वो अलग अलग तरह से कमा के लाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि ज्यादा बच्चे अगर पैदा होंगे तो उससे उनको खिलाने के लिए खर्चा भी तो ज्यादा होगा,
उनको पालने का खर्चा भी ज्यादा होगा, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। तो ये पुराने टाइम पे अंधविश्वास और बहुत तरह की चीजें थी। ऐसा भी कहते थे कि दो बच्चे नहीं बल्कि चार पांच बच्चे पैदा करो, क्यों, अगर एक दो मर भी गए तो दो तीन तो बच ही जाएंगे, लोग ऐसा कहते थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि चार पांच पैदा करो दो तीन मर गए तो बच जाएंगे, इससे क्या मतलब है इसका। अगर मरने होंगे तो चार पांच भी तो मर जाएंगे, वो कौन सा अमर होके आए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसी उल जलूल बातें होती थी, और जिससे क्या होता था, देश की जनसंख्या जो थी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, देश में खाद्यान्न संकट और समस्याएं भी आ रही थी, देश में चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और आज अगर बेरोजगारी और ये इतनी सारी चीजें हम झेलते हैं ना, इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। हमारे देश में संसाधन कम कम नहीं थे, हमारे देश में संसाधन बहुत थे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने, कई तरह के, मतलब बाहर से भी लोग आए, हमारे संसाधनों को लूट लूट कर ले गए, फिर भी हमारे पास संसाधन बहुत थे। लेकिन हमारी जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी ना, उसकी वजह से हमारे संसाधन घटे हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, परिवार नियोजन का जो कॉन्सेप्ट आया था, इसके तहत ये किया गया था कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जिससे कि वो बच्चे कम पैदा करें, और बच्चों के बीच में गैप रखें कि पता लगे कि भाई ऐसा भी होता आ रहा है कि मतलब। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, जागरूकता, कि बच्चे जो है, बच्चे का जो जन्म हो उसके बीच में कम से कम 2 से 2.5 साल का गैप रखा जाए, ठीक है, ताकि जो माता होती है, जो उसको उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। बहुत सारी चीजों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना था। तो ये जनसंख्या नीति में आपको ये परिवार नियोजन मैंने बताया है, इसके बाद देखते हैं कौन पॉइंट। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट ये बनेंगे, जैसे कि जन्म ज्यादा होते हैं जो, तो ये जो जन्म है उसमें नियंत्रण किया जाए, उसके विभिन्न उपाय देखे जाए, जनसंख्या जो वृद्धि है उसको कैसे धीमा किया जाए, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो कैसे बढ़ाई जाए, इन सब चीजों के लिए जागरूकता फैलाई गई थी। फिर क्या हुआ कि भाई जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975-76 में, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे जबरन नसबंदी करा दी गई थी। तो ये भी एक मतलब परिवार नियोजन का ही तरीका था, पर ये गलत तरीका था कि जबरन किसी की नसबंदी करा दी गई। ऐसे पुरुषों की जो नसबंदी होती है, ऐसे महिलाओं में भी एक तरीका होता है, ऑपरेशन वगैरह करा दिया जाता है, जिसको नलिका बंदी कहते हैं। ये तरीका होता है कि परिवार नियोजन करने का, यानी 2 से 3 बच्चे हो जाए तो उसके बाद ऐसा करते हैं कि भाई फिर बच्चे ना हो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीका है जिससे कि जनसंख्या पे काबू लाया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है। फिर क्या हुआ, इमरजेंसी जब खत्म हुई आपातकाल के बाद, परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था उसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ऐसे नाम रखा गया। अब जबरन नसबंदी वाला जो वैसा तरीका था जिसमें जबरन किया गया था, वो चीजें खत्म कर दी गई, यानी कि अब लोगों को साथ जबरदस्ती नहीं करनी, बल्कि उनको क्या करना है, उनको जागरूक फैलाने के लिए काम, जागरूक बनाना है ताकि वो खुद इन चीजों को अपनाएं। क्योंकि अगर लोग इन सब चीजों को समझ जाएंगे ना, जागरूकता और इन सब चीजों में विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उसको समझने लग जाएंगे, तो वो क्या होगा, देश की जनसंख्या का जो स्तर है वो अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा, और जो लेवल है वो स्तर सुधरेगा। आप देखोगे जो विकासशील देश होते हैं वहां पे जनसंख्या का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, तीव्र गति से बढ़ता है। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि विकसित देश, क्या अमेरिका जैसे देश या ब्रिटेन या बाकी देशों की बात करें, तो वहां पे भी क्या जनसंख्या का ऐसे ही लेवल होता है जैसा भारत और चीन जैसे देशों में होता है? तो हम बोलेंगे नहीं। क्योंकि जब कोई देश विकास कर जाता है, विकास औद्योगिकरण हो जाता है, विकास हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है, तो वहां पे जागरूकता अपने आप ही आ जाती है, वो इन सब चीजों से दूर होते हैं, और वो क्या करते हैं, नॉर्मल वहां पे जो कंडीशन हो जाती है वो इस पे ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ से मैंने सारे जो बेसिक क्वेश्चन थे चैप्टर फर्स्ट के, सॉरी चैप्टर सेकंड के, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार ये सारा, ये जो जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं, आप एक बार सपोर्टिंग मटेरियल लें। सपोर्टिंग मटेरियल में आप देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहां पे मिलेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्या ये क्वेश्चन सारे कवर हुए या नहीं, अगर नहीं हुए तो आप उसे ढूंढो बुक में करो, और फिर आप देखो कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए। अगर जरा भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको देखूंगा क्या आप किस चीज में दिक्कत आ रही है। और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मैं कम टाइम में आपको सारे कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, क्योंकि लिखने का इतना टाइम नहीं है अभी फिलहाल, लिख कर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बाद में टाइम मिला तो आगे जरूर देखेंगे उस चीज को। आपको ये पहला वीडियो था मेरा सोशियोलॉजी का, आपको कैसा लगा पहला वीडियो सोशियोलॉजी का, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा था क्या आप वैसा समझ पाए? प्लीज जरूर अपना रिव्यू दें मुझे कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आई या नहीं, दिक्कत हो रही है या नहीं, क्योंकि
क्योंकि आप जैसा बताएंगे फिर हम उसी तरीके से आपको बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत मेहनत से बना है, कम से कम 3 3 घंटे एक वीडियो को बनाने में लगे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।